दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के चंदनपट्टी गांव के निराले शाह की हत्या कर दी गई। ये अभी तक पुलिस के अनुसंधान में कहीं कहीं दिखता नजर आ रहा है, और खासकर परिवार के लोगों ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे बेटे का यहां पर हत्या कर दिया गया है। और खासकर ये पूरा मामला हम आपको बता दें कि यहां पर जो छेदा है, छेदा एक जगह है जो बिसाई पट्टी गाँव के बगल में ही है, जहाँ पर सुबह सुबह जब बकरी चढ़ाने वाले लोग पहुँचे थे तब उन्हें एक लाश दिखाई दी। लाइट दिखाई देने के बाद हंगामा हुआ, उसके बाद हजारों की संख्या में आसपास के जो लोग थे वहां पर पहुंचे थे। खासकर अशोक पेपर मिल थाना के अंतर्गत ये जगह आता है। उसके बाद पतोर थाना की अगर बात करें या हायाघाट थाना की बात करें, सभी लोग वहां पर आए हुए थे। उसके बाद जो डीएसपी अनुज कुमार है उन्होंने भी यहाँ आकर अनुसंधान किया, जांच किया, और आज खासकर डॉग को, अगर कुत्ते की बात करें तो कुत्ते को बुलाकर सभी जगहों पर यहाँ पर सुंघाया गया है खासकर, और जांच किया गया है कि क्या जो लाश था वो पहले से यहाँ पर मौजूद था या लाश कहीं से लाकर यहाँ पर टांग दिया गया था। ये बड़ी एक जो जाँच है वो की जा रही थी, और यही वो पेड़ है जहाँ पर जो वो निराले शाह था उसका शव यहाँ पर लटका हुआ था। आपको बता दें कि जो उसके गाँव के लोग थे वहाँ पर काफ़ी भीड़ जुट गया था, पुलिस वाले को वहाँ सभी लोगों को भगाना भी पड़ा। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जो ये जगह है, इस जगह को कुत्ता को लेकर गया, और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जो चंदनपट्टी गांव है उस चंदनपट्टी गांव के बीचों बीच ये कुत्ता पहुँचता है, जहाँ जो मृतक है उसके घर का रास्ता उसी रास्ते से जाता है, ये भी देखा गया है। हम आपको बता दें कि जो डी एन राम है प्रभारी अशोक पेपर मिल थाना के, उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार ये कुत्ते को लेकर क्या जांच पड़ताल की गई है, और जो जो मृतक है उसके परिवार के लोगों ने इस बारे में क्या कहा है वो हम आपको इस कवरेज में ज़रूर सुनाएंगे। एक बड़ा विषय बता दें कि जो हत्या कर दी गई थी उस मामले में अभी तक कोई जो पुख्ता सुराग है वो नहीं मिल पाया है, जो पुलिस का हाथ है वो खाली है। परिवार के लोगों का एक मानना है कि जो हत्यारा है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे भी वही सजा दिया जाए, ये परिवार के लोगों का मांग है। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करिएगा, देखिए पूरा कवरेज, देख सकते हैं कैसे ये सभी जगहों पर छानबीन चल रही है। क्या मामला था, आप लोग छानबीन कर रहे थे बगीचे में जाकर? वो बीते दिनांक 18/3/21 को चंदनपट्टी के लड़का का शव जो है एक गाछी मिली थी चौर में, तो अभी तक जो है लाश का करने वाले कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके आधार पर हम लोग स्वर्ण दस्ता मंगाए, स्वर्ण दस्ता मंगाकर कार्रवाई की जा रही है। उसके आधार पर हम लोग कुछ कुछ जगह पर चल रहा है डॉग के द्वारा। क्या संतुष्ट हैं आप लोग जो अभी तक प्रशासन के द्वारा जो छानबीन की गई है? पकड़िएगा तभी ना संतुष्ट होगा, अभी कैसे होगा? मजरूम को पकड़िएगा तभी ना। क्या मांग क्या है आप लोगों की? आपके कुछ भी नहीं, जिस तरह ने भाई को मारा उस तरह जान का बदला जान चाहिए, कुछ भी नहीं। इससे पूर्व जो समस्या था आपके भाई का या किसी एक साल पहले भी लटका दिया गया था, तो उस समय में क्या मामला था उसमें? उस समय में क्या मामला था जब वो उनके साथ जो घटना हुई थी? उस समय में क्या मामला था, मतलब उनके साथ क्या घटना हुई थी जब एक साल पहले जो एक साल पहले भी जो है ना उसको मार करके खरही में लटका दिया था। अच्छा, बैंक लिया के नीचे। अच्छा, ठीक है जी। और इसके बाद मारने के बाद जो वन बाद में जो घास जो झाड़ा फिरने गया वो लोग उसको देखा तो कुहर रहा था। अच्छा, तो मार करके उसको टांगे हुआ था तो उसको बचाया। आप लोगों ने कितने लोगों का नाम FIR में दर्ज करवाया है? कितने लोगों का नाम FIR में दर्ज करवाया आप लोगों ने? एक साल पहले जो बच्चे को मारा मारा, हाँ, पांच आदमी से मिल करके। तो आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सितारे। आप उनके भाई हैं? हाँ। सबसे बड़े हैं आप या छोटे? हाँ, सबसे बड़े हैं। दीक्षु हो, 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 दीक्षु हो,